पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन दिया था और आप लोग को बनाकर लाने के लिए कहा गया था। उम्मीद करते हैं आप लोग बनाए होंगे और जो नहीं बनाए होंगे हम यहाँ आंसर दे रहे हैं, इसको देख लीजिए और जो बनाए होंगे वो मिला लीजिए। सबसे पहला है 1,2-dimethylcyclohexane, इन सब का सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर हम लोग को ड्रॉ करना है। तो साइक्लोहेक्सेन का ही डेरिवेटिव है सब, साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन का सबसे स्टेबल कन्फर्मर चेयर फॉर्म होता है, इसलिए चेयर फॉर्म ही हम लोग को लेना होगा। तो इसका जो सॉल्यूशन ऐसे चेयर फॉर्म हम लोग बनाएंगे, इस तरह से चेयर बताए थे कि ये ऐसे ड्रॉ किया जाता है, तो ये चेयर फॉर्म, और ये अगर पॉइंट वन है, ये अगर जैसे पोजीशन वन, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 1,2-dimethyl, तो वन पे एक एक्सियल होता है और इक्विटोरियल, टू पे एक्सियल और इक्विटोरियल, तो दोनों पे मिथाइल, तो मिथाइल को एक्सियल पे देना चाहिए या इक्विटोरियल। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एक्सियल पोजीशन से इक्विटोरियल पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होता है और कोई भी बल्की ग्रुप हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, इसीलिए मिथाइल यहाँ देना होगा तो एच यहाँ हो जाएगा। इन दोनों में ये इक्विटोरियल है, ये एक्सियल है, तो एक्सियल पे हाइड्रोजन, इक्विटोरियल पे मिथाइल हो जाएगा, यानी इसका सबसे स्टेबल कंफर्मर ये होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पर 1,3-dimethyl, तो 1,3 उसका भी हम लोग बनाएंगे चेयर फॉर्म, तो 1,3 यानी एक पोजीशन ये, तो ये वन है, ये टू है और ये पोजीशन थ्री है, तो थ्री पोजीशन पे यहाँ अब वन पे एक्सियल और इक्विटोरियल और यहाँ पे एक्सियल ऐसे और ये इक्विटोरियल, तो इक्विटोरियल पे ही हम लोग रखेंगे किसको, मिथाइल को, तो यहाँ मिथाइल रखना पड़ेगा और ये एच और यहाँ एच हो जाएगा। फिर हम लोग तीसरा 1,4-dimethyl है, तो इसका भी फिर वैसे ही चेयर फॉर्म हम लोग बनाएंगे, ऐसे यहाँ पर लेंगे और ये वन पोजीशन है और ये फोर्थ पोजीशन है, तो वन पे ये एक्सियल और इक्विटोरियल या एक्सियल ये इक्विटोरियल, तो क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल पे मिथाइल देंगे, ये मिथाइल और यहाँ पर एच और इधर एच, ये हो जाएगा स्टेबल कन्फर्मर्स। अब उसके बाद चौथा है 1,2,3, चौथा 1,2,3, तो 1,2,3 यहाँ भी तो हम लोग चेयर फॉर्म ही ड्रॉ करेंगे, तो इस तरह से हम लोग लेंगे वन ये पोजीशन, टू ये, थ्री पोजीशन ये, और हर जगह अब इक्विटोरियल ये एक्सियल पे एच, यहाँ मिथाइल, टू में ये इक्विटोरियल होगा यहाँ मिथाइल, ये एच, थ्री में ये इक्विटोरियल होगा यहाँ मिथाइल और ये एच हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे ई, ई में क्या है, 1-ethyl and 3-tertiary butyl साइक्लोहेक्सेन, तो इसका भी तो हम लोग वही चेयर फॉर्म बनाएंगे इस तरह से, तो 1 और 3, तो 1 पे ऐसे एच यहाँ, यहाँ इथाइल रखना पड़ेगा और 3 में ये एच और यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल, तो टर्शियरी ब्यूटाइल को बी यू और ऊपर में ऐसे टी लिख देते हैं। उसके बाद है एफ, एफ में क्या है, 1,2,3,4,5,6 हेक्सासाइक्लोप्रोपाइल, तो पहले तो चेयर फॉर्म बनाएंगे ही और इसमें सारे पोजीशन पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारे पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल, तो साइक्लोप्रोपाइल तो हमेशा हम लोग इक्विटोरियल पोजीशन पे ही देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। फिर इसका इक्विटोरियल पोजीशन ऐसे, इसका इक्विटोरियल पोजीशन इस तरह से, इसका इक्विटोरियल पोजीशन ऐसे और इसका इक्विटोरियल पोजीशन इस तरह से, हर जगह
साइक्लोप्रोपाइल, और बाकी एक्सियल आप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं भी यहाँ पर हाइड्रोजन होगा इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो ये F हुआ, उसी तरह फिर हम लोग लेते हैं यहाँ पर G और H। तो G का हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो G का किस तरह से होगा, G का यहाँ पर क्या है, 1,3-cyclohexanediol। तो साइक्लोहेक्सेन है इसलिए हम लोग इस तरह चेयर फॉर्म तो लेंगे ही, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे लिया जाएगा, यहाँ पर इस तरह से। तो ये यहाँ हो जाएगा, दिस इज पोजीशन 1, ये 2 और ये पोजीशन 3। तो यहाँ पर क्या है, 1,3-cyclohexanediol OH। तो यहाँ पर नियम के अनुसार यहाँ H और OH इधर होना चाहिए, और यहाँ पर H और ये ऐसे OH होना चाहिए। लेकिन ऐसा होने से देखिए क्या होता है, हम लोग इस मॉडल से समझते हैं। तो ये मॉडल में ये 1 पोजीशन अगर है, इस पोजीशन को अगर 1 मानते हैं हम लोग, तो ये पोजीशन 1, तो इस पोजीशन को 3। तो यहाँ पर इक्विटोरियल दोनों दूर होगा, लेकिन एक्सियल पे OH देंगे तो ये दोनों क्लोज होगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा इस जगह पे। यहाँ अगर लेंगे या इस जगह, तो ये क्लोज है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इसलिए ये एक एक्सेप्शनल केस हुआ। यहाँ OH इक्विटोरियल पोजीशन पर नहीं होकर एक्सियल पोजीशन पे होगा, एक्सियल पे लेने से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। एक बार फिर देख लें, अगर मान लीजिए ये 1 और ये 3 मानते हैं, तो क्या होगा, ये तो उधर है ये इस साइड, तो OH यहाँ इस डायरेक्शन में, ये OH इस डायरेक्शन में, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं पाएगा। लेकिन अगर एक्सियल पोजीशन पे दें तो ये दोनों क्लोज होगा, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए ये अरेंजमेंट इसका करेक्ट नहीं है। इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट ये नहीं हुआ, यहाँ हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरह से, यहाँ हम लोग लेंगे ऐसे और यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस जगह अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर OH लेंगे यहाँ पे H, और इधर OH लेंगे यहाँ पे H। तो अब यहाँ पर ऐसे OH और यहाँ पर H अगर है, तो इस जगह ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ ये नहीं होकर ये वाला स्ट्रक्चर होगा, और H ये 1,4-cyclohexanediol 1 और 4 पे। तो 1,4 पे साइक्लोहेक्सेन अगर हम लोग लेते हैं 1,4, तो क्या हो जाएगा, 1,4 की अगर बात करें तो ये 1 होगा तो ये 4। तो यहाँ अगर दोनों इक्विटोरियल तो अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक्सियल है तो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो सकता है इस तरह से। मान लीजिए हम लोग ऐसे अगर लेते हैं, यहाँ पर इसको अगर ऐसे अगर हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं, तो इस जगह ये जो बोट फॉर्म होगा, तो बोट फॉर्म होने से यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से ले सकते हैं, अगर ये बोट फॉर्म हो जाता है ऐसे, तो ये जो दोनों फ्लैग पोल है ये क्लोज हो जाएगा, और ये क्लोज हो जाने से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये एकमात्र ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पर 1 और 4 में ये बोट फॉर्म लेना पड़ता है। इस तरह से यहाँ होगा, और एक हम लोग यहाँ पर इस तरह से ऐसे हम लोग लेंगे, और यहाँ पे इधर
ओ एच और इधर ओ यहाँ पर हो जाएगा, इधर ओ और एच, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इधर एच और इधर एच। तो ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ बोट फॉर्म में ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बोट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है नहीं, ज़्यादा स्टेबल चेयर फॉर्म है। यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ही रीजन है जिस वजह से बोट फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द स्टेबिलिटी। तो ये दोनों में क्या है, यहाँ भी वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ भी वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन ये इक्विटोरियल पे है, ये एक्सियल पे, तो इक्विटोरियल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ये दूसरा नंबर में या दोनों इक्विटोरियल पे है या दोनों एक्सियल पे है, इसलिए वन ज़्यादा होगा। तीसरा नंबर में यहाँ एक इक्विटोरियल, एक एक्सियल एक इक्विटोरियल या दोनों इक्विटोरियल, तो दो ज़्यादा होगा। यहाँ पे अब अगर इसमें देखना है, ये सब में दो दो मिथाइल है या दोनों एक्सियल, ये दोनों इक्विटोरियल, तो जो दोनों इक्विटोरियल है वो तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा और दोनों एक्सियल है वो सबसे कम। अब इन दोनों में एक इक्विटोरियल और एक एक्सियल, इसलिए टू और फोर इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर इसमें यहाँ क्या है कि ये दोनों है इक्विटोरियल पे, इसलिए थ्री सबसे ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ दोनों एक्सियल तो फोर सबसे कम हो जाएगा। अब बाकी बचा ये दोनों में एक इक्विटोरियल एक एक्सियल, तो बी आर तो साइज में बड़ा होता है, तो बी आर अगर साइज में बड़ा है तो उसको इक्विटोरियल पे होना चाहिए, फ्लोरीन छोटा है वो एक्सियल, इसलिए टू ज़्यादा होगा और वन कम हो जाएगा। और F में अगर हम लोग लेते हैं या तीनों मिथाइल एक्सियल या एक इक्विटोरियल या दो इक्विटोरियल या तीनों इक्विटोरियल, इसलिए यहाँ सीधा स्टेबिलिटी बढ़ता चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे इक्विटोरियल पे मिथाइल ग्रुप का ऑक्यूपाई करता चला जाएगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती चली। रिंग फ्लिपिंग अगला हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें साइक्लोहेक्सेन का डिफरेंट इम्पॉर्टेंट कन्फर्मेशंस भी आ जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर होता है वो साइक्लोहेक्सेन का, वो हम लोग ऐसे लिए चेयर फॉर्म। अब ये जो चेयर फॉर्म है इस जगह, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरह से, अब ये नीचे वाला इस पोर्शन को हम लोग ऊपर करते हैं, ये ऐसे मानिए कि मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पर ये नीचे है और ये वाला ऊपर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, इसे सीधा कर दिए तो ऐसा आएगा, तो ये जो चेयर था ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये हाफ चेयर होगा। फिर क्या करेंगे, उसके बाद इसको ऐसे करेंगे तो बोट फॉर्म, फिर इसको सीधा करेंगे हाफ चेयर, फिर इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। यही कन्वर्सन हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी क्या है, ये ऐसे था और इसको हम ढकेल दिए तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हाफ चेयर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस जगह ये जो कन्वर्ट होगा, तो अब ये इस तरह से ये ऐसे रहेगा यहाँ पर ऐसे, और ये तो एज इट इज रह गया, ये यहाँ पर चेयर फॉर्म हुआ और ये चेयर फॉर्म, और फिर ये कन्वर्ट हो गया किस पे, ये यहाँ पर इसको कहेंगे हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। और ये हाफ चेयर फॉर्म में फिर हम लोग क्या करेंगे, इस जगह इसको फिर हम लोग ऊपर ले जाएंगे। ये ऊपर अगर जाएगा तो अब ये ऊपर चला गया, ये नीचे ऐसे, यहाँ पर ये भी ऐसे रहा, ये इधर बन जाएगा ऐसे, यहाँ पर ये बोट फॉर्म,
ये बोट फॉर्म हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे बोट फॉर्म कहते हैं। और फिर यहाँ क्या होगा, इसको फिर अब यहाँ पर तो ये तो चला गया, अब तो ये और ऊपर जा नहीं सकता, अब हम लोग इसको नीचे करेंगे, इसको नीचे करेंगे, तो फिर ये तो ऐसे ही रहा, ये इस तरह से इधर ये सीधा हो गया, तो फिर ये हाफ चेयर हो गया। लेकिन इस हाफ चेयर में ये जो हाफ चेयर फॉर्म यहाँ बना, ये जो हाफ चेयर है, ये दोनों देखिए एक दूसरे का मिरर इमेज जैसा है कि यहाँ अगर मिरर रख दें तो ये ठीक उसका उल्टा इन्वर्टेड ये मिलेगा। फिर अब इसको नीचे करें, तो इसको नीचे करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये इधर वाला लाइन ऐसे हो गया, ऐसे इधर वाला जो लाइन हम लोग लेंगे ये इस तरह से हो गया और ये ऐसे नीचे चला गया। अब ये हो जाएगा छोटा और ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा, तो ये भी क्या बना हम लोग को, फिर चेयर फॉर्म बन गया, ये इस तरह से ये चेयर फॉर्म हुआ। तो ये सब अलग अलग ये फॉर्म है, यहाँ पर ये कन्वर्सन, ये जो चेयर फॉर्म और उस चेयर फॉर्म में क्या अंतर है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये हाफ चेयर और ये हाफ चेयर में क्या अंतर है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। बोट फॉर्म इससे ये डिफरेंट होता है। तो मान लीजिए अगर इसको हम लोग यहाँ से लेते हैं 1 2 3 ये 4 5 6, तो इसी का एक और फॉर्म होता है यहाँ पर, ये उल्टा हो जाएगा, इधर ऐसे 2 यहाँ 3 और ये यहाँ पर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा ये, इधर हम लोग यहाँ पर लेंगे इस जगह ऐसे यहाँ पर 6 और ये 5 और ये इस तरह से ऐसे जुटेगा, ये हो जाएगा 4 और ये इस तरह से जुटेगा ये 1। इसको हम लोग कहेंगे ट्विस्ट बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म। इस तरह से ये डिफरेंट कन्फर्मेशंस होता है चेयर फॉर्म का। लेकिन इसमें एक और चीज रिमार्केबल है, जैसे देखिए ये यहाँ पर बॉन्ड है एक्सियल एक्स एक्सियल पे और वाई इक्विटोरियल पे, तो इसमें किस तरह से चेंज होता है, तो देखिए यहाँ पर तो एक्स इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, यहाँ वाई इक्विटोरियल पे ही रहा और यहाँ पर भी ये तो एज इट इज है एक्स और वाई। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब इस जगह अब ये चेंज हो रहा है लेकिन जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा एक्स और नीचे वाई। फिर यहाँ क्या होगा, नीचे अब हो जाएगा वाई और ये हो जाएगा एक्स। तो देखिए ये जो इंटर कन्वर्सन हुआ, इसमें एक्स कहाँ था, एक्सियल पे था, ये एक्सियल था और वाई किस पे था, इक्विटोरियल पे था, लेकिन यहाँ पर वाई किस पे चला गया, एक्सियल पे और एक्स किस पे चला गया, इक्विटोरियल पे। इसका मतलब ये जो फ्लिपिंग होता है, इस फ्लिपिंग में क्या होगा, यहाँ पर जो अगर लेंगे ये जो फ्लिपिंग हुआ इस तरह से, हम लोग जो चेयर फॉर्म का फ्लिपिंग हम लोग ले रहे हैं ऐसे, और इसका यहाँ जो कन्वर्शन हुआ इस तरह से, यहाँ ऐसे हम लोग लेंगे तो यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे यहाँ अगर लेंगे इसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर एक्स और वाई यहाँ एक्सियल पे और यहाँ वाई एक्सियल पे और एक्स इक्विटोरियल पे। इस तरह से यहाँ पर जो हर कार्बन का, ये तो एक जगह का हम दिखाए हैं, हर कार्बन पे एक्सियल और इक्विटोरियल होता है, वो इधर का एक्सियल उधर इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर का इक्विटोरियल वो एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्लिपिंग में ऐसा होता है। अब यहाँ अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लें इन सारे फॉर्म में, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में ये जो हाफ चेयर फॉर्म, ये सबसे कम स्टेबल होगा,
हाफ चेयर जो होगा, हाफ चेयर फॉर्म, ये सबसे कम स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जब स्ट्रेट है तो ये बॉन्ड एंगल ये 120 का हो गया, तो तीन एंगल 120 का है, यहाँ भी ये तीन एंगल 120, यानी एंगल स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हाफ चेयर फॉर्म सबसे कम स्टेबल। हाफ चेयर के बाद होता है यहाँ पर बोट फॉर्म, ये बोट फॉर्म, बोट फॉर्म, और फिर बोट फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है ट्विस्ट बोट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो बोट फॉर्म में ये दोनों तो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में है, यहाँ जो ट्विस्ट हो गया तो ये स्टैगर्ड में चला गया, इसलिए इससे इसकी स्टेबिलिटी अधिक है, तो ट्विस्ट बोट फॉर्म, और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है चेयर फॉर्म। ये इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ होगा, हाफ चेयर फॉर्म सबसे कम, बोट फॉर्म उससे ज़्यादा, ट्विस्ट बोट फॉर्म उससे ज़्यादा, और चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगा। ये कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन ये हुआ। अब इसमें एक हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, इन चारों को अगर रखेंगे एक ग्राफ में तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम वो ड्रॉ करेंगे, तो पहले हम लोग वो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को कंसीडर करते हैं। ये उसका एनर्जी का एनर्जी डायग्राम है यहाँ पे, ये जो यहाँ से यहाँ तक टोटल, इसको हम लोग रोटेशन बैरियर हम लोग कहते हैं, तो ये जो दोनों के बीच एनर्जी का ये डिफरेंस है, ये तो उधर हम लिख ही दिए हैं। तो ये चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर हाफ चेयर, हाफ चेयर से ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट ये बोट फॉर्म, फिर ट्विस्ट बोट, फिर हाफ चेयर एंड देन चेयर फॉर्म। तो यहाँ देखिए एनर्जी वाइज सबसे कम चेयर फॉर्म का, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, चेयर से ज़्यादा एनर्जी ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट से ज़्यादा बोट, और सबसे ज़्यादा एनर्जी हाफ चेयर फॉर्म, इसलिए उसका स्टेबिलिटी सबसे कम हुआ। ये एनर्जी का डायग्राम हुआ। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस जगह एक रहता है, इस पे जनरली अभी हम लोगों ने देखा, ये तो हम लोग जानते हैं ना, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं, ऐसा कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे कि इसमें होता है क्या, मान लीजिए दो अगर है लिख यहाँ ए और बी, ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में जो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम ये जो होता है, तो यहाँ यहाँ पर के सी भी लिख सकते हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। अब देखिए इन दोनों में ज़्यादा अमाउंट में कौन रहता है, ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में अगर हो तो उस समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज़्यादा अमाउंट में कौन होता है, तो जिसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है वो ज़्यादा अमाउंट में रहता है। अगर यहाँ लिखे हैं इफ बी इज मोर स्टेबल, बी इज मोर स्टेबल देन ए, अगर बी ए से ज़्यादा स्टेबल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी का जो कंसंट्रेशन होगा एट इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, सो के इक्विलिब्रियम विल बी नाउ, इसका अमाउंट ज़्यादा ये कम, तो ये एक से ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग उसी तरह से लेते हैं, इफ बी इज लेस स्टेबल, इफ बी इज लेस स्टेबल देन ए, बी अगर ए से लेस स्टेबल हो तो
क्या होगा अगर बी लेस स्टेबल है ए से, तब यहाँ पर बी का कंसंट्रेशन जो होगा इक्विलिब्रियम में वो कम होगा, ए का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में ज्यादा होगा। तो हम लोग दैट इज यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज लेस देन वन। और तीसरा कंडीशन यहाँ पर कि इफ ए एंड बी आर इक्वली स्टेबल, ए एंड बी आर इक्वली स्टेबल, अगर ये इक्वली स्टेबल हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा ए का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। दैट इज यहाँ के इक्विलिब्रियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। तो इस तरह से अगर हम लोग इसी फैक्ट को हम लोग यूज करेंगे, अब यहाँ पर जगह मान लीजिए एक क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन लिए कि यह एक नंबर में इस तरह से दिया गया है और ऐसे यहाँ पर लिए और इस जगह ऐसे, यहाँ पर इस जगह दिया गया सी एच थ्री और ये एच, और ये इक्विलिब्रियम में यहाँ पर गया और यहाँ पर ये जो इसका ये जो फ्लिप करेगा तो इस तरह से फ्लिप होकर के दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है, तो ऐसे फ्लिप अगर करता है तो यहाँ अब ये चला गया, इधर हो जाएगा ऐसे H और यहाँ मिथाइल। तो बताइए इस जगह इन दोनों में यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ के इक्विलिब्रियम क्या होगा, इस जगह के इक्विलिब्रियम बताइए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वन या लेस देन वन या इसमें हम लोग अनप्रिडिक्टेबल। तो क्या होना चाहिए, इस जगह यहाँ पर ये सी एच थ्री एक्सियल पे है, यहाँ इक्वेटोरियल पे चला गया तो इससे ये ज़्यादा स्टेबल है, और जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अधिक हो बी ज़्यादा स्टेबल है के इक्विलिब्रियम वन से ज़्यादा, यानी आंसर हो जाएगा ए। अगर इसी तरह से यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन में इस तरह से ऐसे लिया गया ये यहाँ पर इस जगह, यहाँ हम लोग ले रहे हैं इस जगह यहाँ पे जैसे सी एच थ्री और इस जगह सी एच टू और सी एच थ्री, और ये यहाँ पर चेंज हो रहा है और इसका हम लोग ये इस तरह से ऐसे हम लोग लेंगे और यहाँ पर ये चेंज होकर इधर चला जाएगा, यहाँ सी एच थ्री और इधर सी एच टू सी एच थ्री। तो यहाँ क्या होगा, इन दोनों में अब यहाँ पर के इक्विलिब्रियम बताइए क्या होना चाहिए, के इक्विलिब्रियम इस जगह क्या होगा। तो यहाँ पर इथाइल इक्विटोरियल पे था, यहाँ इथाइल एक्सियल पे चला गया, लार्जर ग्रुप को हमेशा इक्विटोरियल पे होना चाहिए, तो यहाँ है यानी कि ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल, तो जब रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल हुआ यानी ये वाला कंडीशन, तो के इक्विलिब्रियम यहाँ क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम इज लेस देन वन। इसी तरह से यहाँ अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जोड़कर इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी एप्लीकेशन के रूप में वहाँ बताया जाता है। तो ये हम थोड़ा सा बता दिए, तो इस तरह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ख़त्म हुआ।
अब अगले पार्ट में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे।